नेक्स्ट वीडियो में तो हम दिखाए थे कि किस प्रकार से करतल पकड़ना है और कैसे बजाना है और कैसे क्लीनिंग रखना है। तो इसी वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से 1, 2, 3 बजाते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, कोई भी अदर कीर्तन भी कर सकते हैं वैष्णव। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि करतल बजाने से पहले भगवान से गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करके ही प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, अब उसको स्टार्ट करते हैं। अब देख पा रहे हैं जैसे कि हमने पहली बार सिखाए थे 1, 2, 3। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है, दोनों सेम ऐसे भी रहते। तो इसको कैसे करना है देखिए, गा के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। देखिएगा यदि आपको प्रारंभ अवस्था में आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोलते हुए आप इसको क्या करेंगे बजा सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। हाँ, ये भी बताना चाहूँगा ये तीन स्टेज से इसको आप बजा सकते हैं, जैसे स्लो, मीडियम और फास्ट। तो आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा स्पीड बजा रहे हैं। जितना लो गा रहे हैं उतना लो से बजाना पड़ेगा आपको, और क्या है जितना हाई गा रहे हैं तो इतना हाई से बजाना पड़ेगा, ऐसे भी बजा सकते हैं। तो गाने के ऊपर पढ़ते हैं, जैसे कि हमको क्या है स्लो से सीखना है और इसी टोन से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा